अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. क्लास, आई एम आल्सो फाइन. विदाउट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सो टुडे इज़ माय टॉपिक इज़ अबाउट कन्वर्सेशन. मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में कन्वर्सेशन के बारे में बताया था. कन्वर्सेशन क्या होती है? कन्वर्सेशन वो होती है जो हम अपनी डेली लाइफ में, जो अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश सेंटेंस हम यूज़ कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्सेशन. ठीक है, जो बेसिक सेंटेंसेस होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्सेशन कहते हैं. सो मैंने आपको पहले एक सेंटेंस याद करवाया था, आज मैं आपको सेकंड सेंटेंस याद करवाऊंगी. तो आप याद कीजिएगा, मेरे साथ साथ रीड करें. रीड कीजिए. मे आई कीप दिस इन माई बैग. जब आप किसी मिस से परमिशन लेते हैं क्लास में कि मिस, क्या मैं इस चीज़ को अपने बैग में रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, तो आप किस तरह बोलेंगे? मे आई कीप दिस इन माई बैग. अगेन रीड करेंगे. मे आई कीप दिस इन माई बैग. अगेन रीड करेंगे. मे आई कीप दिस इन माई बैग. आपने ये सेंटेंस याद करना है. ये आपके पूरे वीक का एक ही सेंटेंस है. आपने सिर्फ यही बार बार इसकी प्रैक्टिस करती रहनी है, बार बार रिपीट करते रहना है, ताकि जो है वो आपको इसको याद हो जाए. ठीक है, उसके बाद जॉली रीडर की बुक ओपन करनी है, और ओपन करने के बाद पेज नंबर आपने 18 ओपन करना है. ठीक है, पेज नंबर 18 ओपन करेंगे. आप इसको रीड करते हैं. क्लास, ये ग्रुप 3 का थर्ड साउंड है. आ, आ, आ. मैंने आपको इसका एक्शन बताया था. ठीक है, आ, आ. देखें यहाँ क्या क्या राइट हुआ है. अपर, आ अपसेट, आ अप, आ अप डाउन, आ अम्ब्रेला, आ अम्पायर. अगेन रीड करते हैं. आ अपर, आ अपसेट, आ अप, आ अप डाउन, आ अम्ब्रेला, आ अम्पायर. बेटा, यहाँ आपके पेज नंबर 18 का जो साउंड है वो आपने इसकी बुक की रीडिंग करनी है, पेज नंबर 18 की. ओके, ये आपके पूरे वीक की जो है वो जॉली रीडर की रीडिंग है, आपने यही रीडिंग करनी है. उसके बाद आप लोग दोबारा कॉपी पे आ जाएंगे. ठीक है, कॉपी में आपने क्या करना है आज वो मैं आपको दिखाती हूँ. आपने अपनी नोटबुक में कौन सी वर्किंग करनी है? बेटा, आपने नोटबुक में जो है वो रूट्स लेटर की वर्किंग करनी है. रूट्स लेटर पहले मैंने आपको पढ़ाए थे. स्काई लेटर्स, स्काई लेटर्स क्या होते हैं? स्काई लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो अपर 3 लाइन्स में आते हैं. ठीक है, स्काई लेटर्स कौन से लेटर्स होते हैं जो अपर 3 लाइन्स में आते हैं? ओके, और रूट लेटर वो लेटर्स होते हैं जो नीचे की यानी लोअर 3 लाइन्स में आते हैं. ठीक है, आज हम कौन से लेटर्स पढ़ रहे हैं? रूट्स लेटर्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आप के यहाँ पर आपने 5 लेटर्स लिखने हैं, यानी 5 ऐसे लेटर्स हैं जो नीचे की 3 लाइन्स में आते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास कि यहाँ पर हम अपर केस लेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कैपिटल लेटर्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम स्मॉल लेटर्स की बात कर रहे हैं जिन्हें हम साउंड्स के साथ रीड करते हैं. ठीक है, अब हम इसको राइट करने स्टार्ट करते हैं. मैं आपको इसी तरह से डॉट्स लगा कर दूंगी, आपने इसी में वर्किंग करनी है. ठीक है, तो राइट करना स्टार्ट करते हैं. पहला साउंड राइट कीजिए, ग ग. राइट कीजिए, ग ग. बिल्कुल प्रॉपर राइट करेंगे, बहुत प्यारा सा ग ग. ग आपने राइट कर लिया होगा. ग के बाद राइट कीजिए ज ज. राइट कीजिए ज ज. बिल्कुल प्यारा सा राइट करेंगे जिस तरह आप क्लास में राइट करते हैं. क्लास, ज ज. अब राइट कीजिए फ फ. स्ट्रेट लाइन बना के और इस तरह से टर्न कर देंगे. फ फ.
आप राइट कीजिए। खुए 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 खुए। बहुत प्यारा सा राइट कर रहे हैं जिस तरह मैं राइट कर रही हूँ। आप राइट कीजिए, बिल्कुल लास्ट वाला साउंड राइट कीजिए, य य। अब इसको रीड करते हैं, राइट रीड कीजिए, ग ग, ज ज, फ फ, ख्वे ख्वे, य य। आपने रूट सेटर जो है वो आपने दोनों पेजेस पे राइट करने में, आपके दो पेजेस पे इसी तरह से पिक्चर बनाकर दी हुई है और इसी तरह से डॉट लगा कर दिए हुए, आपने दोनों पेजेस पे इसी तरह से राइट करना है क्लास, ठीक है। बहुत प्यारा सा राइट करेंगे, ओके। अपना ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस वीडियो, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।